कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका सुबह प्रश्न पत्र है। जी हाँ, ये आपका 20 मार्च के लिए मैं आपको एक पेपर सोल्व कराऊंगा। इससे पहले 4 से 5 तरह के पेपर ऑलरेडी करा दिया हूं, क्योंकि हर जिले में बेटा अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में अपन लगातार आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करा रहा हूं, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। लतायाम इति रूपम भवति सप्तमी, बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो बाल काश्य। लताए इति शब्द रूपम भवति, लताए में आपका कौन सा शब्द रूप है? चतुर्थी विभक्ति रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति, ठीक है, एक वचनस्य रूपम भविष्यति, तो इसका जाए नदी। अज्ञ सोमवार वासरा अस्ति अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, तो अज्ञ हो जाएगा। अधो लिखेतेषु अव्यय पदम अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा अत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम, तो पठसी आ जाएगा। भविष्यति इति पदे, भविष्यति में आपकी भू धातु है। लिखतु इतस्मिन पदे लोट लकार अस्ति, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम भवन्तु अस्ति। स्वागतम इतस्मिन पदे सु उपसर्ग अस्ति, दुराचार इतस्मिन पदे दूर उपसर्ग अस्ति। भ्रमित्वा, भ्रमित्वा में आ जाएगा कत्वा, बाला का आ जाएगा टाप, विहाय का आ जाएगा लियप, और माता आदिशत का भैया पुत्रीम, और पूरा लघ्वी भवती का आ जाएगा छाया, और का तंत्रालु भवती छठे का जाएगा बाला। हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मध्यमा अंगुली इतनयो वाक्यो विशेष्य पुनम पदम अस्ति मध्यमा, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी अनियो पदियो विशेषणम पदम किम, स्वादुनी रात्रि इतस्य पर्याय पदम किम निशा, पौनाः इतस्य पर्याय पदम किम समीरा, कटु शब्द इतस्य विलोम पद अस्ति सरसा सरस, और विजय इतस्य पदस्य विलोम पद पराजय। विद्याधन आलयः इति पदे शब्दे दीर्घ संधि भवति आम, रत्नागरः इतस्य पदस्य संधि विच्छेद रत्नाधनगरः भवति न, स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते आम। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पांचवा भी चौथा भी आम रहेगा, और छठा पांचवा भी आम, और छठा भी आपका आम रहने वाला है। इतना भी देखेंगे ना, ये देख सकते, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते, क्वेश्चन नंबर 7, ये 8, ओके। इतना ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 और ये 14, हो गया इतना। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 15 तरफ देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिएगा, पहला जो है ना इसमें आपका वृद्ध आ जाएगा ना, क्या जाएगा वृद्ध, मैं भर के बता भी देता हूँ हमारे बच्चों को अच्छे समझ में जाएगा। दूसरा जो है ना उसमें आ जाएगा जंतुवा, तीसरा जो रहेगा ना उसमें आपका आत्मनः प्रतिकूलानि परे साम आ जाएगा, ठीक है। चौथे की बात करें अपन यहाँ पर, तो सिहात आ जाएगा है ना, बालका सिहात विभेति, इंगा वाला जो है ना इसमें देखिए तत्र सेठ कमितम दुग्धम आपेक्षते, तो इसका जाएगा आपका यहाँ से देख सकते हैं इंगा वाला 63। ठीक है भैया। प्रत्यनेन किम ना भवति, प्रत्यनेन का चाव वाले का आपका जाएगा यहाँ से देख सकते हैं सिद्धम। ठीक है भैया, ये आपको देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे तो ये कोई इस तरह का रहेगा,
ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में यहाँ से ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर, ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा रहने वाला है यहाँ पर,